पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं उत्तराखंड रुड़की से सालू किशोर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी मैं कीर्तन में गई थी, पितु दीदी के यहाँ कीर्तन, तो आज मुझे उनके यहाँ कीर्तन में जाके बहुत ही अच्छा लगा। और आते ही शाम हो गया, मतलब 7 बज रहे हैं, तो खाने की तैयारी करने लगी। और सबका बर्थ है आज, मतलब मेरा, अम्मा का, हर्षित का, मुस्कान के पापा का, तो और मुस्कान तो बाहर है ही, तो सबका बर्थ है, तो खाने की तैयारी भी कर रही हूँ। तो दिखाती हूँ मैंने अभी क्या तैयारी करी है। अभी देखिए कुकर में सीटी आ रहा, आलू उबाल रही हूँ। और इधर सावक के चावल का मैंने खीर चढ़ा रखा है, तो वो बन रहा है। टमाटर नहीं था तो सफाली मम्मी से मांग के लाई हूँ, ख़त्म हो गया था मेरे यहाँ टमाटर। और यहाँ इमली है तो इमली का चटनी बनाऊँगी, एक तो इसका खट्टा मीठा चटनी बनाऊँगी। और ये धनिया, और इधर ये भी धनिया है, तो सब भून के, और यहाँ भी भून गई तो इसकी खट्टी चटनी बनेगी। और पुदीना भी डालूँगी इसमें, तो इतनी तैयारी हो गई है। तो आप लोग सोच रहे होंगे व्रत रखा है कितना खाएगी, तो मेरा शौक है बनाने का और इसलिए मैं बनाती हूँ। और मेरा मन करता है लौकी का रायता भी बना लूँ, मगर चावल का खीर बन रहा है। और इसमें मैंने मखाने भी डाल दिए हैं, और सोचा लो थोड़ा सा सूखा नारियल भी घिस के डाल दूँ, तो ये भी डाल दिया मैंने। सब बना रही हूँ तो ये देख के ना बहुत ही भूखा है, बहुत ही पेटू है, क्योंकि मुस्कान के पापा को बहुत पसंद है, मतलब उन्हें पसंद है, तो मैं बना रही हूँ और उनके बहाने मैं भी खा लूँगी और सबको भी मिल जाएगा। तो इसी तरह होता है, बहाना किसी का ले लो और सब कुछ खाओ बना के। खाना बनाते बनाते इतने में कस्टमर आ गई, तो उनका आईब्रो बनाया और मुझे बहुत पसीना आ रहा, मुझे बहुत गर्मी लग रही क्योंकि बादल हो रहा, तो इस वजह से घुटन सी महसूस। पर मैंने माता की चौकी लगा रखी है और मुझे जोत आज जलाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया, 7:30 बज रहे हैं, और खाना भी बनाना है, मतलब थोड़ा सा तो मैंने तैयारी कर ली मगर अभी बनाना ही है। तो अब मैं माता जी का जोत जला देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने माँ की जोत जला दी है और आप सभी को दिखाती हूँ। और आप सभी भी आरती ले लीजिए माता का। सच्चा जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, जय करा सेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय। चलती हूँ मैं रसोई में क्योंकि आज बहुत काम है। और देखिए रसोई किस तरह, इधर आलू छिलने को पड़ा है, इधर मैंने टमाटर काट रखा, इधर पकोड़े के लिए धनिया और पुदीना हरी मिर्च काट रखी, और ये मेरा खीर भी लगभग बन चुका, अभी चीनी नहीं डाला है। तो मिलती हूँ मैं आप सभी को खाना बनाने के बाद, यानी पूरा खाना बनाने के बाद। सब्जी चटनी चिल्ले ये सब बनाते बनाते मुझे एकदम से आया कि चलो भाई कुट्टू के आटे के पकौड़े भी बना लेते हैं, तो वो भी बनाने लगी हूँ मैं। और ये मेरा मोबाइल छोटा सा वीडियो का है, और इस पे ना मैं खाना बनाते बनाते भजन लगा लेती हूँ और सुनती रहती हूँ और खाना बनाती रहती हूँ, मतलब खाने के साथ भगवान का भी नाम, तो बहुत अच्छा होता है। और मैं डेली ऐसे ही करती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ तो भजन जरूर लगा लेती हूँ और सुनती रहती हूँ। तो आप सभी को दिखाती हूँ, मैंने पकौड़े भी बना लिए, मतलब अभी बना रही हूँ, तो आप सभी को मैं दिखाऊं। पकौड़ी बन के तैयार है और इधर बन रहे हैं कुट्टू के आटे के चिल्ले। ये चिल्ले बहुत ही टेस्टी लगते हैं और आप चाहें तो बिना तेल के भी इसे बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और ये कुट्टू का आटा ना मैंने घर में ही पीस रखा है मिक्सी में, तो मिलावट का भी कोई वो नहीं है, चक्कर की हम पिसा पिसा ला रहे हैं और उसमें कुछ मिलावट हो। खाना तैयार है और अब चल रही माँ का भोग लगाने, और आप सब भी आइए मेरे साथ माँ का भोग लगाने के लिए। और ये देखिए माँ के भोग में सावक के चावल का खीर है और पकौड़े हैं, खट्टी मीठी चटनी है, आलू की सब्जी है, आलू टमाटर की, और ये चिल्ले हैं, ये चिल्ले रखे हैं। तो चलिए माँ का भोग लगाते हैं। तो सारा खाना बनके तैयार है और मैंने माता रानी का भोग भी लगा दिया है,
और आप सभी को मैं दिखाती हूँ, ये है रसोई की हालत। और अब करूँगी मैं इसकी सफाई। खाना सारा मैं अंदर रखाई हूँ, खाना मैंने लगा दिया है, तो मैं पूछती हूँ खाना कैसा बना है। तो हर्षित खाना कैसा बना है बताओ? बढ़िया बन रखा है। टेस्टी है? हाँ। जबरदस्ती कह रहे हैं? नहीं, सही में। खाना पीना हो गया है और सबको खाना बहुत ही पसंद आया, सबको बहुत अच्छा लगा। और अच्छा क्यों नहीं लगेगा, उसमें माता रानी का भोग लगा था तो टेस्ट तो आना ही था। और खाना खाने के बाद मैं डेली का मेरा है कि मैं नहर पर जाती हूँ घूमने, तो अब जा रही मैं नहर पर घूमने, मगर मैं अकेली नहीं जाती, शेफाली की मम्मी के साथ जाती हूँ। आप लोग अक्सर उन्हें मेरी वीडियो में देखते हैं, तो मैं देखती हूँ उनका दुकान बढ़ गया होगा तभी वो जाएंगी, तो देखती हूँ उनका दुकान बढ़ा कि नहीं। खाती हूँ उनका दुकान अभी खुला हुआ है।